देख रहे हैं जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज, क्योंकि हम में है सच दिखाने का दावा। सिवनी जिले के आदिवासी थाना क्षेत्र आदि गांव के ग्राम अटारी में मानव तस्करी का मामला सामने आया। यहां पर जीजा द्वारा अपनी साली को 40,000 रुपए में बेच देने की शर्मनाक घटना सामने आई। मामला उस समय उजागर हुआ जब ग्राम खमरिया गुजर में रहने वाले उसके जीजा हल्केश परते ने अपनी साली फूलवती सलाम को पहले शादी कराने का बहाना बनाकर नरसिंहपुर ले गया और वहां उसे 40,000 रुपए लेकर एक युवक से शादी करा दी। और शादी के बाद इस युवक ने उस महिला से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे राहतगढ़ अपने मित्र के यहाँ छोड़ दिया। महिला को जब इस बात का आभास हुआ कि उसे बेचा जा रहा है तो उसने किसी तरह आदेगांव थाने में आकर पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला के जीजा हल्केश परते राहतगढ़ निवासी दारा सिंह जाट और धर्मेंद्र जाट सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कहाँ की लड़की थी आप लोग? कहाँ के हो? हमारी हो। और लड़की कहाँ की थी? अटारी की। हाँ, कितने में बेचा आपने? 40,000। कहाँ बेचे थे आपने? और कौन कौन साथ में आपके? राजेश। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सागर। लड़की आपके रिश्तेदार? कौन थी आपकी? आपने 40,000 में बेचा था? थाने में एक युवती 22 वर्षीय युवती है, उसको उसके जीजा के द्वारा शादी कराने के लिए अपने मामा के घर जाने का कहकर ले जाया गया और नरसिंहपुर में जाकर वहाँ पे किसी व्यक्ति के इससे उसकी शादी करा ली, जिसके एवज में उसके द्वारा 40,000 रुपये प्राप्त किए गए, ऐसा आरोप हरियादिया का कहना है। उसके बाद शादी के उपरांत उसको राहतगढ़ सागर में छोड़ दिया गया। सूचना जब थाने पर प्राप्त हुई तो थाने पर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसको विवेचना में लिया गया है। प्राथमिकी किसके द्वारा दर्ज की गई? पीड़िता के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा? ही उनके परिजनों के द्वारा लेट कराई गई है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिवनी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।